हाँ भाई, क्या हाल है भैया? जैस कैश एक बड़ी जबरदस्त ट्रैवल ऑफर लाई जिसके बारे में आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये कि मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ, क्योंकि जब मेरा हेलमेट गर्म होता है ना, एरर 404, मैं बस्ते उठाता हूँ, कहीं ना कहीं आगे पीछे निकल जाता हूँ ताकि दिमाग मेरा सैनिटी बरकरार रहे, हल्का फुल्का वेकेशन ले लेता हूँ। और मैं दोस्तों को भी ये कहता हूँ यार आगे पीछे निकल जाया करो, बस वो कहते हैं यार काम से फुर्सत। भैया काम तो कभी ख़त्म नहीं होता, इंसान ख़त्म हो जाता है, ठीक है? अब आपको याद होगा ईद वाले दिनों में एक बहन की वीडियो आई थी जो चाह रही थी कि ईद का लॉन्ग वीकेंड मिले हमें, मगर बीच में फ्राइडे आ गया था। उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ की मिसाल दी थी, सही मिसाल दी थी, क्योंकि यूरोप में क्या होता है, अगर मंगल की छुट्टी आ रही है ना तो पीछे खींच के मंडे की दे देते हैं ताकि लोग लॉन्ग वीकेंड करके, और जब लोग लॉन्ग वीकेंड में इन्जॉयस करके आते हैं ना तो वो और मोटिवेटेड होते हैं, और फ्रेश होते हैं, काम में और अच्छा रिजल्ट देते हैं। और यूरोप अमेरिका की तरक्कियों की बहुत सारे राजों में से एक राज ये है कि वो हॉलीडेज़ पर बड़ा फोकस करते हैं। हमारे यहाँ सैडली ना हॉलीडेज़ पे कोई इतना फोकस नहीं दिया जाता, ना इंडिविजुअली दिया जाता, ना ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ पे फोकस करती हैं। मैं तो कहूँगा ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को ज़बरदस्ती टर्की भेजे, भैया जा हुर्रम सुल्तान से मिलकर, और डीपियाँ चेक करें कि ये गए थे कि नहीं गए थे, क्योंकि अगर वो ट्रैवल करके आएंगे, माइंड फ्रेश होगा, तो काम में और फोकस देंगे, और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और मोटिवेटेड होंगे। हमारे यहाँ लोग जो है इंडिविजुअली क्या उनका हिसाब किताब होता है, खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी 11 महीने नो डाउट दबा के मेहनत करते हैं, 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, लेकिन जब छुट्टी वाला महीना आता है तो पूरा महीना यहाँ गुलशन इकबाल में गुजार देते हैं। ठीक है, घर वालों से मिलना ज़रूरी, रिश्तेदारों से मिलना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा एक आध वीक निकाल के आगे पीछे हुए बीवी बच्चों के साथ घूम के आ जाए, अकेले कहीं चले जाएँ, माइंड फ्रेश हो जाता है। होता क्या है, वो आते हैं तो उनको चना पापड़ी खाने होता है और बाबू भाई के वन कप खाने होते हैं, उससे पेट खराब होता है, एक हफ्ता बिस्तर में गुजर जाता है, तो छुट्टी का जो वो इफेक्ट आना होता है ना, वो रिजल्ट ही नहीं निकल आता। ठीक है, बाकी जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनका जो है क्या हिसाब किताब कि भाई हम अभी हम सेविंग कर रहे हैं बच्चों के लिए, और ये जहेज बना रहे हैं। अब भैया बच्ची 7 क्लास में पढ़ती है, अभी कौन सा जहेज बना रहे हैं, जहेज बनता रहेगा। ठीक है, या फिर ये कि लोग ये कहते हैं कि जो है ना हम रिटायरमेंट के बाद आराम से ट्रैवल कर लेंगे। भैया जब खुद व्हील चेयर पर होगे, अल्लाह ना करे, तो चेयर लिफ्ट पर कैसे बैठोगे? ठीक है, या तो अगर घुटने हिल रहे होंगे तो ट्रैकिंग कैसे करोगे? तो यही सही टाइम है ट्रैवलिंग का, जब सेहत बरकरार है, चल फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, आखिर वक्त में के लिए ना ही रखें तो बेहतर है। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि भैया कि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती, तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। जैस कैश जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है पेमेंट के लिए, वो आपके लिए ज़बरदस्त ट्रैवल ऑफर लाया है। जैस कैश से जैसे आपको पता है आप अपने फ़ोन के बिल भर सकते हैं, इंटरनेट के बिल भर सकते हैं, मोबाइल क्रेडिट खरीद सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह जैस कैश जो ऑफर लाया वो ये कि अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, या फिर आप जो है एमटैक मोटरवे का लगवाने जा रहे हैं, या रेलवे का टिकट ले रहे हैं, या बस का टिकट ले रहे हैं, 30 सितंबर तक पहली परचेज पे आपको 25% कैशबैक आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो इस ऑफर का जरूर फायदा उठाएं जैस कैश से। ठीक है, ये सारी पेमेंट 25% आपका कैशबैक हो जाएगा। और मैं जाते जाते यही कहूँगा कि सफ़र करें, सफ़र नहीं, ठीक है, उर्दू वाला सफ़र करें, अंग्रेज़ी वाला सफ़र ना करें। तो जैस कैश के ऑफर को ज़रूर यूटिलाइज़ करें और घूमें फिरें, निकले भैया, मौसम भी अच्छा है, इंजॉयस करके आए, रिलैक्स हो जाएंगे। चलो भाई, बड़ी कैसेट चल गई, ओके बाय।